हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। हाउ आर यू ब्यूटीफुल लेडीज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो जो है वो मेरे एक और फेवरेट ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में है। मैं कामा आयुर्वेदा के बारे में बहुत बात करती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली उसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, इफेक्टिव लगते हैं। ठीक है, आई नो वो थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा हायर एंड प्रोडक्ट्स है, बट दे आर रियली वेरी इफेक्टिव। इसलिए मैंने इसके रोज वाटर के बारे में, इसके और फेस वॉशेज एंड अदर प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है एंड आगे भी करती रहूंगी। बट आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है अभी जितने स्ट्रीमलाइन प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उससे। एक्चुअली अभी हम लोग सबसे पहले जब स्किन केयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, वो होता है फेस वॉश। तो फेस वॉश की जो मैं बात करने जाती हूँ तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, करेक्ट। बट कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम था, ठीक है, हम कहीं बाहर ज्यादा जाते नहीं है, या फिर आप ऐसे पर्सन हो जो ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करते या आउटिंग उनका नहीं होता है, वो घर पे ही रहते हैं मोस्टली टाइम, जैसा कि अभी ऑलमोस्ट सभी लोग रह रहे हैं घर पे। तो क्या होता है कि हमें इतना, मुझे नहीं लगता इतना पर्सनली कि डीप क्लींजिंग की जरूरत पड़ती क्योंकि आप फेस पे बहुत कम चीजें अप्लाई करते हो, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम, अगर आप कम चीजें भी अप्लाई करते हो, ज्यादा चीजें भी अप्लाई करते हो, वो एक अलग मैटर है। बट हमें हमेशा फोमिंग फेस वॉश या फिर जेल फेस वॉश, ऐसे टाइप के फेस वॉशेस मिलते हैं। कभी कभी हमें ऐसा नहीं लगता कि यार चलो एकदम, वो जो मम्मी घर पे पहले जब छोटे थे तो मम्मी कभी कभी बेसन हल्दी मिला के उसको दे दिया करती थी, बोलती थी इससे फेस वॉश कर लो, फेस वॉश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही सोच के मेरे दिमाग में आया जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ। तो बस मैंने जब ये प्रोडक्ट देखा तो मुझे वही पुरानी यादें ताजा हो गई। तो मुझे लगा चलो यार ये प्रोडक्ट कुछ नया है, कुछ अलग है, बट ये वर्दी है कि नहीं ये ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कामा आयुर्वेदा के मृदुल सोप फ्री क्लींजर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपने नाम से तो समझ लिया होगा कि इसमें सोप है ही नहीं, मतलब इसमें कोई लेदर, इसमें कोई झाग या फिर कुछ ऐसी चीज जनरेट नहीं होने वाली है। एंड जब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सोप जैसा इसमें कुछ होने ही नहीं वाला है, ठीक है। अब ये इतना छोटा पैकेजिंग है इसका, जिसका प्राइस है 650 रुपीज, 40 ग्राम का प्रोडक्ट है। तो 650 रुपीज में 40 ग्राम हमें मिल रहा है, जो कि ठीक है, आई कैनॉट से कि बहुत कम है बहुत ज्यादा, बट ठीक है ना। और ये एक मेटल टाइप की, स्टील टाइप की पैकेजिंग में है। इसे पैकेजिंग की बात कर रही हूँ तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुझे ना थोड़ा सा पैकेजिंग, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका कोई और पैकेजिंग हो नहीं सकता है, बट क्या होता है ना सुबह सुबह जब आप इसको निकालते हो तो एक तो हाथ में लेना, फिर उसको गीले गीले हाथों से बंद करना, तो इससे क्या होगा प्रोडक्ट थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। रेदर देन अगर हमने इसको ऐसे लिप वाला कुछ दिया होता जिसे ऐसे गिरा के वापस उसको ढक सकते होते तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस तरीके का हमको कुछ प्रोडक्ट मिलता है। इसमें हमें एक लकड़ी की स्पून भी मिलती है छोटी सी, जिससे हम ये प्रोडक्ट को निकालेंगे। आप देख तो पा रहे होंगे कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और जैसे ही आप इसको सूंघोगे ना, आपको वो थोड़ा सा आयुर्वेद वाली खुशबू सी आएगी, क्योंकि अब मैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें है नीम, सैंडलवुड, फेनल जिसे सौंफ बोलते हैं उसका पाउडर, और ग्रीन टी, ग्राउंडेड एलमंड्स, रोज पेटल्स। तो इन सब का पूरा मिक्सचर जो है वो इस प्रोडक्ट में है। और जब आप इसको स्मेल करोगे ना तो आपको सीरियसली वो एलमंड की खुशबू आएगी, वो ग्रीन ग्राम जो होता है वो भी इसमें है, उसकी खुशबू आएगी। तो मतलब आप इसको सूंघ के बता सकते हो कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, ठीक है। आप देख लेते हैं कि उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अभी यूज हमें कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप इसके रोज वाटर के साथ इसको थोड़ा सा ले सकते हो, हाथों में प्रॉपर मल सकते हो, और उसके बाद डायरेक्टली फेस में अप्लाई करना है आपको। तो जैसे मैं अपने उसमें ऑलमोस्ट, जैसे ये अगर स्पून बताऊं तो ऐसे 2 स्पून लेती हूं मैं इसको। मैं क्या करती हूँ, कटोरी में लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा रोज वाटर या नॉर्मल वाटर, मैं तो सुबह सुबह नॉर्मल वाटर डाल लेती हूँ। और अगर मुझे कटोरी में भी नहीं लेना है, बहुत जल्दी जल्दी है, तो मैं हाथ में 2 स्पून निकालती हूँ, हाथ में ही थोड़ा सा वाटर डालती हूँ, फेस को जो है ना वो हल्का सा गीला कर लेती हूँ पहले ही, फिर उसके बाद अप्लाई करके रब करना है स्टार्ट करती हूँ बहुत जेंटल हाथों से। तो ये तो अगर आप ऑयली स्किन है, तो अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और आप चाहते हो इसको यूज करना तो थोड़ा सा
मिल्क ले सकते हो चाहो तो, जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट ऑन द नॉन ड्राई साइड, तो आप मिल्क लेके इसको आराम से वॉश कर सकते हो। और नहीं भी करना है ना तो नॉर्मली वाटर के साथ भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे बाकी सारी चीजों के साथ। मैंने एक दो बार ना इसको योगर्ट के साथ भी वॉश करके, क्योंकि इसमें लिखा था, तो मैंने योगर्ट मिल्क सबके साथ ट्राई किया है। इफेक्ट्स आर गुड, मतलब अब मैं पर्सनली इसका जो रिजल्ट है मेरे पे उसकी बात करूं अगर, तो देखो क्या है कि एलमंड है, फेनल सीड्स है, और क्या बोलते हैं इसमें रोज पेटल्स हैं। सबसे पहली चीज ये तो सोफ्री है, दूसरा बहुत रिफ्रेशिंग, मतलब अगर आप सुबह उठते हो और आप इससे वॉश करते हो ना, एक तो वो जो खुशबू जो आयुर्वेद से मिली हुई होती है ना वो कुछ अलग ही रिफ्रेशिंग कर देती है आपको, तो वो एक अच्छा है। माइल्ड क्लींजर बोल सकते हो, मतलब हैवी मेकअप के बाद आप इस क्लींजर को नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ये एक नॉर्मल क्लींजर है, जैसे आप नॉर्मली रात को सोते हो, अपना आपने स्किन केयर किया, आपको सुबह उठना, आपकी स्किन लाइट है, आप हल्का सा वॉश करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन कभी इसको इसमें नहीं ट्राई करना कि आपने मेकअप है, मेकअप लगाया, मेकअप रिमूव करने के बाद इसको अप्लाई करना, उसमें ये काम नहीं करेगा। बट मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जैसे बहुत सारे नो मेकअप डेज होते हैं, रात में मैंने हल्का सा स्किन किया है, बहुत ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं किया, तो मैं अगले दिन इससे वॉश करती हूँ फेस। मैंने अभी फिलहाल जैसे स्टार्ट किया है तो ये फुल था, ये ऑलमोस्ट मैं 2 या 3 हफ्ते से यूज कर रही हूँ, नॉट रेगुलर बेसिस पर ऑल्टरनेटिवली यूज कर लेती हूँ, कभी कभी रोज भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया, मतलब ठीक है आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 650 रुपए इज टू मच, वो थोड़ा ज्यादा मुझे प्राइस पॉइंट से थोड़ा ज्यादा लगा, बट आपको पता है ये कामा आयुर्वेदा है, कामा आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स थोड़े से हाई एंड है, बट यस दे आर इफेक्टिव। मतलब क्या था कि मुझे ना अभी बीच में बहुत ज्यादा अजीब सा ड्राइनेस हो गया था चेहरे पे, अभी मैंने इसको अप्लाई करा है ना, तो मैं इसको लगाने के बाद थोड़ा 30 सेकेंड के लिए ना ऐसे छोड़ देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा हल्का सा सेमी ड्राई हो जाए, उसके बाद में वॉश करती हूँ। तो इस हिसाब से मुझे तो प्रोडक्ट बहुत वर्दी लगता है, बहुत यूजफुल लगता है। अगर आपको ऐसे इंसान हो जिसको बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट या केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं, यू जस्ट वांट टू स्टिक टू द आयुर्वेदा और द बेसिक्स, तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। अगर आप टीनेजर हो आपको समझ भी नहीं आ रहा मार्केट में इतना कुछ, आपको सिंपल प्रोडक्ट चाहिए तो भी आप यूज कर सकते हो। आई नो टीनेजर के हिसाब से थोड़ा इसका कॉस्ट ज्यादा है, बट यार एक इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप लोगे तो ऑलमोस्ट 1 महीना तो मिनिमम चलेगा ये। हाँ आई नो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 1 महीने में एक मतलब 650 रुपीज में वो 3-3, 4-4 महीने लास्ट करते हैं, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट नहीं लास्ट करेगा। बट आप इसको ऐसे रख सकते हो कि जैसे वीकेंड केयर कर रहे हो, सैटरडे संडे आप आराम से इसको यूज करो, एक प्रोडक्ट है जिसे आप ट्राई कर सकते हो, इट्स अ वर्थ प्रोडक्ट टू ट्राई, है ना। तो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना, मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो कर लेना, और अगर आपके कुछ और सजेशंस हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योरसेल्फ। बाय बाय।